हेलो, शायद वीडियो स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जो आपका हिमेटोलॉजी के अंदर चैप्टर सेकंड है, तेजिंदर सिंह के अंदर। उसमें जो मेन जो टॉपिक है अपना आज का, जो हम क्विक रिवीजन बोल सकते हैं, क्विक उसको और भी देख बोल सकते हैं, वो है आपका चैप्टर का नाम ऑटोमेटेड से स्टार्ट होता है। और उसके अंदर मेनली जो हमें पढ़ना होता है वो है फ्लो साइटोमेट्री, है ना। फ्लो साइटोमेट्री जो हमारा मेन फोकस रहेगा इसके अंदर, जो क्विक प्रैक्टिकल जो अप्रोच होती है वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखो, इवनिंग तक रहती है मैं ड्यूटी, शाम को आके मैं थोड़ा सा रेस्ट आधा एक घंटा बाहर चला गया था। उसके बाद मैंने जितना मैंने इसको एक अच्छा रिवाइज करने के फॉर्म में रेडी कर पाया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो डिटेल में और अच्छी तरह मैं बाद में करूँगा, सब सेकंड टाइम इसको पढ़ूँगा। ये फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो पहले आपके साथ मैं फर्स्ट टाइम में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले क्या चीज़ है वो है कि जो फ्लो साइटोमेट्री होती क्या है, इस पे जो ये इसका मैकेनिज्म है, प्रिंसिपल है, वो हम डिफरेंट वीडियो के अंदर डिस्कस करना डिटेल के अंदर। लेकिन जो पिक्चर्स होती हैं वो इस तरह के अपने को दिखती हैं, ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री के अंदर। कि सबसे नीचे लिम्फोसाइट ब्लास्ट, उसके ऊपर थोड़ा मोनोसाइट, फिर सबसे ऊपर ही ग्रेनुलोसाइट होती हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सी सेल या कौन जो हमारी सेल्स हैं, जो सैंपल हमने डाला है चेक करने के लिए, उसमें कौन से मार्कर पॉजिटिव आए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ को। उससे पहले चीज़ आती है कि इंडिकेशन से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे लास्ट में मैंने रखा हुआ है कि इंडिकेशन क्या है। एक्यूट ल्यूकीमिया के केस में हम चेक करते फ्लो साइटोमेट्री करवाते हैं, ये आपकी माइलोइड और लिम्फोइड लीनियज को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सब टाइप ऑफ एएमएल देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, टू डिस्टिंग्विश एएल फ्रॉम लिम्फोमा विद स्पिल ओवर, ठीक है। ये मेन मेन जिस तरह की चीज़ें हैं वो आपने, जैसे क्रोनिक लिम्फ प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, ये इसके लिए भी अपन फ्लो साइटोमेट्री यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है माइलोडिसप्लास्टिक सिंड्रोम, फिर प्लाज्मा सेल डिस्कैरियसिस, रेड सेल डिसऑर्डर जैसे PNH, प्लेटलेट डिसऑर्डर जैसे प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्लैंडुलर थ्रोम्बोसिस्टिनिया, है ना। इन डिजीज के लिए हम यूज़ करते हैं ये फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है। तो फ्लो साइटोमेट्री का हमें पहले सबसे पहले पता होना चाहिए मार्कर्स, कि कौन से मार्कर कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं। तो उसके लिए हम, जैसे ये टेबल है, कि सबसे पहले हम देखें एक नॉर्मल जो बी सेल और टी सेल फॉर्म होती हैं, जैसे ये देख रहे हो, ये आपका लिम्फोइड स्टेम सेल है, उसके बाद अर्ली बी प्रीकर्सर हुआ, उसके बाद प्री बी सेल और प्लाज्मा सेल, ये नॉर्मल सिक्वेंस होती है आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो जो आपके इनिशियल सेल है वो आप CD34 एक्सप्रेस करती है, TDT करती है। TDT आपका इमेच्योर सेल मार्कर होता है, तो ये जो आपका प्री बी सेल है वहाँ तक रहता है। देख रहे हो, शुरू के चार सेल के अंदर आपका TDT प्रेजेंट है। इसके अलावा सबसे पहले लिम्फोइड स्टेम सेल के अंदर CD34 भी था, DR भी था, अर्ली बीकर प्रीकर्सर है उसके अंदर CD34 है, DR है, CD19 और एक्सप्रेस करती है। इसके बाद जो प्री बी सेल है वो आपका CD19 भी करती है, CD10 भी करती है, CD20 भी करती है। बी सेल क्या क्या करती है, CD19, 20, 21, 22, ठीक है। प्लाज्मा सेल लास्ट में बनती है, जिसे एंटीबॉडी बनती है। इसके बाद ये बात हुई हमारे बी सेल की, क्योंकि हमें मार्कर पता होना चाहिए, तभी हम उसको डिसऑर्डर में बता सकते हैं कि इस डिसऑर्डर में ये एक्सप्रेस करेंगे, इस डिसऑर्डर में एक्सप्रेस करेंगे। नॉर्मल है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, इस स्टेज पे कोई प्रॉब्लम आ गई है इस वाले स्टेज पे, तो क्या होगा कि ये वाले मार्कर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, यही आपके एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये बी सेल की बात करी, सेम ऐसे टी सेल। टी सेल के अंदर दोस्तों क्या है कि जैसे बी सेल था लिम्फोस्टेम सेल, अर्ली थ्रोम्बोसाइट, कॉमन थ्रोम्बोसाइट और मैच्योर टी सेल। जो आपका लिम्फोइड है वो आपका TDT करता है, CD34 करता है,
इसके बाद अर्ली थ्रोम्बोसाइट कौन से करते हैं, CD7, CD34, CD1, CD2, CD5, ये आपके अर्ली करते हैं। और जो मेच्योर टी सेल है उसके अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, हेल्प इंड्यूसर होते हैं। साइटोटॉक्सिक आप CD3 होते हैं, CD8 होता है, हेल्पर इंड्यूसर में आपका CD3-4 है ना। ये इस तरह से हम डिवाइड करते हैं टी सेल के मार्कर। थोड़ा नॉइज़ में भी आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आए, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ट्राई करता हूँ। ऐसी सिचुएशन अभी जैसे आज कुछ प्रोग्राम है, पता नहीं। तो इसके बाद आता है कि जो डिफरेंट लीनिएज हैं, जैसे सेल हैं, माइलॉइड सेल हैं, मेगाकैरियोसाइटिक मार्कर बी सेल है, टी सेल है, नेचुरल किलर सेल है, प्लाज्मा सेल है, ब्लास्ट है, तो ये कौन से एक्सप्रेस करते हैं। ये डॉल्ट टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं माइलॉइड से, ब्लास्ट से। ब्लास्ट मतलब सबसे अर्ली वाली सेल, इसके अंदर CD34 CD30 एक्सप्रेस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि ये आपके इमेच्योर वो होते हैं। इसके बाद आता है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल के कौन से मार्कर, CD38 138 कापा एंड लैम्डा लाइट चेन प्लाज्मा सेल एक्सप्रेस करता है। ऑल वाइट सेल आपका CD45 एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम LCA बोलते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन। नेचुरल किलर सेल कौन से एक्सप्रेस करती है, CD16 56 57। ऐसे आपका टी सेल कौन से करते हैं, साइटोप्लाज्मिक CD3 CD3 CD2 CD5 CD7 CD8। बी सेल कौन से करते हैं, आप याद रखना इनिशियल है ना, 2 से लेकर 8 तक वो आप टी सेल, फिर आपका 19 20 22 23 79A 79B FMC7 IgM आपका बी सेल एक्सप्रेस करती हैं। मेगाकैरियोसाइटिक मार्कर होते हैं 41 और 61। और माइलॉइड सेल मार्कर होते हैं NTMPO CD13 33 CD14 एंड CD117। ठीक है, ये आप जितनी बार इसको याद रखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, उस तब ये जाके याद होंगे। लेकिन टी सेल आपको इनिशियल वाले, बी सेल 19-20 वाले, नेचुरल किलर सेल 16-56-57, प्लाज्मा सेल 38-138 कापा का लैम्डा चेन, ब्लास्ट 30-40 DT, माइलॉइड आपका MPO CD13 33 CD4 117। ठीक है, ये होते हैं। इसके बाद आता है आपका कुछ होते हैं जो आपके साइटोप्लाज्मिक मार्कर होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे माइलॉइड सेल के लिए साइटोप्लाज्मिक मार्कर होता है माइलोपरोक्सीडेज, बी सेल के लिए होता है CD22 CD19A, टी सेल के लिए होता है साइटोप्लाज्म CD3, बी सेल के लिए BCL2, बी सेल के लिए ये आपका हीमोग्लोबिन होते हैं, लाइट चेन होते हैं, ये प्लाज्मा सेल के लिए होते हैं। तो ये कौन से हैं, ये आपके साइटोप्लाज्मिक मार्कर हैं डिफरेंट सेल के लिए। इसके बाद आता है कि कुछ होते हैं जो कुछ कंडीशन, जैसे आपका AML और ALL, इसमें कुछ एबरेंट एंटीजन एक्सप्रेस होते हैं। AML के अंदर CD7 भी होता है, CD2 भी होता है, 19 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल जो इनकी मार्कर है ना, लीनिएज है, उसके अलावा ये मार्कर ये एक्सप्रेस हो सकते हैं। ALL के अंदर 13 हो सकता है, 33 हो सकता है, 117 हो सकता है। ठीक है, याद रखना है कि यदि बाई चांस मिल जाए तो इनके अंदर भी ये मिलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बी सेल के रिगार्डिंग, कि आपके बी सेल में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, 19-20 पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं CD5। CD5 के अंदर यदि दो कैटेगरी हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यदि नेगेटिव है तो एक कैटेगरी आएगी, और पॉजिटिव हुआ तो एक कैटेगरी आएगी। तो यदि पॉजिटिव आता है तो उसके अंदर देखिए स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा, मार्जिनल जो लिम्फोमा आपके पॉजिटिव में आते हैं। CD5 पॉजिटिव आया, उसके बाद हम चेक करेंगे CD23। स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा के अंदर 23 पॉजिटिव होता है, FMC7 नेगेटिव होता है। और आपका मार्जिनल जोन जो MCL है, मेंटल सेल लिम्फोमा सॉरी, इसके अंदर आपका CD23 नेगेटिव रहेगा, 22 पॉजिटिव रहेगा, साइकिल D1 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये दो कैटेगरी भी पॉजिटिव वाली CD5 नेगेटिव है तो CD10 चेक करते हैं। CD10 यदि पॉजिटिव आता है तो उसमें आपका फॉलिकुलर लिम्फोमा हो सकता है, बर्किट लिम्फोमा हो सकता है, और DLBCL हो सकता है।
यदि सी डी 10 नेगेटिव आता है तो हम चेक करते हैं सी डी 25 और 123, ये दोनों पॉजिटिव आते हैं तो ये आएगा HCL आपका हेरी सेल ल्यूकेमिया, और यदि दोनों नेगेटिव हैं तो आ जाएगा मार्जिन जोन लिम्फोमा। ठीक है, इसके बाद आता है टी सेल के। टी सेल में हम दो मेली मार्कर देखते हैं यदि टी सेल के डिसऑर्डर है, CD4 और CD8। यदि दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है तो ये वाले डिसऑर्डर हुए, जेरी सिंड्रोम, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा। और ये दोनों एक CD8 पॉजिटिव आता है, CD4 नेगेटिव आता है तो टी सेल लार्ज ग्रेनुलर सेल ल्यूकेमिया, नेचुरल किलर सेल ग्रेनुलर सेल ल्यूकेमिया। दोनों पॉजिटिव आते हैं तो टी सेल प्रो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, और दोनों नेगेटिव आते हैं तो ये वाली कैटेगरी जिसके अंदर हिपेटोस्प्लेनिक टी सेल लिम्फोमा आता है, अग्रेसिव नेचुरल किलर सेल लिम्फोमा आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लास्ट जो इस चैप्टर के अंदर है वो है आपका NGS। NGS अलग है, फ्लोसाइटोमेट्री नेक्स्ट सिक्वेंसिंग बोलते हैं, मॉलिकुलर का पार्ट है तो, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि कुछ कंडीशन में हम मॉलिकुलर एडवाइस करते हैं, जैसे CLL केस में मिड 88 आपको पॉजिटिव आता है, AML के अंदर आपका DNMT3A आपको पॉजिटिव आता है, मल्टीपल माइलोमा के अंदर BRAF4FAM46C ये वाले पॉजिटिव आते हैं। इसके अंदर मैन क्या है मैं बता देता हूँ, मैन है एक तो आपका हेरी सेल ल्यूकेमिया जिसके अंदर BRAF100-600E पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसके अलावा फॉलिकल लिम्फोमा के अंदर MLL2 पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये जो टेबल है इम्पोर्टेंट है तो इसलिए मैंने इसको इस चैप्टर के अंदर आती थी तो मैंने इसको यहाँ पर वो कर दिया। तो आप इस इन दोनों ये जो टेबल्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जिससे आप एक बार कंसाइज रिवाइज कर पाओ यदि आपने थोड़ा ये चैप्टर पढ़ रखा है। ठीक है, तेजिंदर सिंह है वहाँ से मैंने ये मेले टेबल उठाई है, वहीं से मैंने पढ़ा था। तो नेक्स्ट कल हम करेंगे सर, नेक्स्ट चैप्टर है डेफिशिएंसी एनीमिया, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मैं उसको कवर करूँ जी। ठीक है, मैं उन चीज़ों को कवर करूँगा, मैं डिसाइड कर लिया है, लेकिन थोड़ा ड्यूटी की वजह से थोड़ा मेरे को रिदम आने में टाइम लग रहा है। तो थैंक यू देखने के लिए, बाय।